DU LLB एग्जामिनेशन का पैटर्न थोड़ा ट्रिकी है. हर साल कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन ज़रूर होते हैं. देर आर सर्टेन क्वेश्चन यू नो दैट शॉक अस दैट हाउ कुड दीज क्वेश्चन कम. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप रिवाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस पैटर्न. इन दिस वीडियो वॉट आई विल डू इज़ मैं 2021 और 2020 का जो पैटर्न है वो एक बार आपके साथ रिवाइज करूँगी टॉपिक वाइज कि क्या चीज़ें आई गई हैं पूछी हैं. एंड वी विल ट्राई टू डिकोड एंड ब्रेक डाउन कि क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है इस साल की अपनी प्रेपरेशन के लिए. हाई गाइज, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. बिफोर बिगनिंग विद अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न, आई विल वंस अगेन टेल यू, पीपल कीप आस्किंग कि एग्जामिनेशन कब है, कोई अपडेट है या नहीं. ऑफिशियली अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है. वी आर एक्सपेक्टिंग कि एग्जामिनेशन प्रॉबेबली अगस्त एंड या सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक तक भी जा सकता है, बिकॉज अभी सेमेस्टर एग्जामिनेशन चल रहे हैं, फिर से यू एट यू जी एग्जामिनेशन होगा, प्लस नॉर्मल रीजनेबल टाइम आपको दिया जाता है प्रिपरेशन के लिए फ्रॉम द टाइम द फॉर्म्स कम. तो एक महीना मेरे हिसाब से इज़ द रीजनेबल टाइम. एंड क्योंकि अभी तक फॉर्म्स का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि 1 month अभी हमारे पास है प्रिपरेशन के लिए फॉर दिस एग्जामिनेशन. सो इस वीडियो के थ्रू समझ लेते हैं क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है सो दैट वी डोंट लूज द ट्रैक. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आई ऑलवेज टेल यू दैट कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट 50-60 क्वेश्चंस रेंज कर जाते हैं. नाउ दिस इज़ डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न दैट हैज़ बीन इन 2021-20 एज वेल एज इवन इन 2019 का भी मैं बेसिक ब्रॉड पैटर्न आपसे एक बार डिस्कस कर लूँगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. लेट्स फर्स्ट सी 2021 एंड 2020. अब 2021 में जो टॉपिक्स हमारे रहे वो कहाँ से आए हैं. लिस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लिस्ट से क्वेश्चन आ जाता है. लिस्ट आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है. यूनियन, कॉन्करेंट एंड स्टेट लिस्ट, ये आपको पता होनी चाहिए. Schedule 7 में गिवन है. शेड्यूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एज यू कैन सी हियर, शेड्यूल्स 2020 में भी पूछे गए हैं यहाँ से क्वेश्चन. शेड्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. DPSP हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गया. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ साथ आई वुड से फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इंपॉर्टेंट है. पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का कॉम्पोजिशन, राज्यसभा, लोकसभा, मिनिस्टर्स के बारे में, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है, जो डिवाइसेस हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं. पार्लियामेंट आप देखेंगे 2020 में भी यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. प्रीएम्बल इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. प्रीएम्बल से कभी कभी अमेंडमेंट के रिलेशन में भी, जो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हुआ वो पूछ लेते हैं. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. Article 1 इज़ इम्पॉर्टेंट. सिटीजनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट, जो हमारा 4 के बाद 5 से स्टार्ट होता है. प्लस कंसिडरिंग कि सिटीजनशिप एक्ट आया था एंड देर आर अ लॉट ऑफ प्रोटेक्ट्स इन दीज ईयर्स, सो दैट बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. सो आई वुड वॉन्ट यू कि आप प्रेजेंट के करंट अफेयर्स से रिलेट करके भी कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड टॉपिक्स करें. मैं पहले भी करंट अफेयर्स राउंड ऑफ वीडियोज़ बना चुकी हूँ वेर एन आईव टोल्ड यू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड यू शुड बी डूइंग दोज टॉपिक्स, रिलेट देम टू द करंट. फॉर एग्जाम्पल, इस साल के लिए फार्मर्स प्रोटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. फार्मर्स प्रोटेस्ट हमारा आएगा राइट टू प्रोटेस्ट में. राइट टू प्रोटेस्ट हमारा जो फ्रीडम्स हम एक्सरसाइज करते हैं आर्टिकल 19 में, उसमें आता है. आर्टिकल 19 देखिए बहुत बार आ चुका है. सो फंडामेंटल राइट्स ऑब्वियसली आर वेरी इंपॉर्टेंट. 19, 21 and 20, 25, 19 इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं. 25 भी इंपॉर्टेंट है. ये जो रिलीजन वाले आर्टिकल्स है 25 to 28, इस साल हमने रिलीजन को लेके भी बहुत कुछ डेवलपमेंट्स देखे हैं. ज्ञानवापी मॉस्क वगैरह एंड हिजाब बैन, ऑल दीज थिंग्स. सो दैट इज़ वाई दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. प्रेसिडेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. रिसेंटली द न्यू प्रेसिडेंट हैज़ बीन इलेक्टेड. प्रेसिडेंट से टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आते हैं एंड दिस ईयर अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. रिट्स आर इम्पॉर्टेंट. एमरजेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड टॉपिक्स इन माई वीडियो ऑन टॉपिक्स फॉर DU LLB. सो कीप डूइंग दोज टॉपिक्स. वो टॉपिक्स रिवाइज़ करने भी बहुत ज़रूरी हैं. एक बार 2019 के लिए मैं भी आपको रिवाइज़ करा देती हूँ. ये सारे टॉपिक्स 2019 में भी पूछे गए हैं. फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल, अमेंडमेंट, पार्लियामेंट, एमरजेंसी, अमेंडमेंट, अटॉर्नी जनरल, DPSP. सो ये टॉपिक्स अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टू करंट अफेयर्स. नाउ इफ यू आर वॉन्टिंग टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ना है, बेयर एक्ट से पढ़ लीजिए. कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट ऑनलाइन इंटरनेट पर अवेलेबल है. यूज़ दैट.
बुक्स आई वुड नॉट से कि अभी ये टाइम है कि आप लक्ष्मीकांत बुक उठा के पढ़ें. सो ट्राई टू रीड फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग मटीरियल, वट एवर यू स्टडीड फ्रॉम, या फिर अगर आप शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जो DULLB का PDF कोर्स है, यू कैन चेक दैट एज वेल. 450 पेजेस का वो PDF कोर्स है. इट इज़ इजीली कवरेबल विद इन द स्पैन ऑफ नेक्स्ट वन मंथ, एंड नॉट जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीथिंग इन द लीगल अम्ब्रेला इज इंक्लूडेड देयर इन. देन लीगल करंट अफेयर्स की बात करते हैं. करंट अफेयर्स में नेशनल न्यूज़ इंपॉर्टेंट है. इंडेक्स रिपोर्ट से क्वेश्चन आता है, DULLB में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन. एब्रिविएशंस आते हैं करंट चीज़ों को लेके, जो एब्रिविएशंस हैं उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं. अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नोबेल प्राइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड इंपॉर्टेंट है. अवार्ड से देखिएगा दोनों टाइम पे क्वेश्चन आए हैं, सो इट्स इंपॉर्टेंट. पीपल इन न्यूज़, थिंग्स इन न्यूज़, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. स्पोर्ट्स, अब यू नाउ यू कैन सी 2021 में स्पोर्ट्स विल नॉट फाइंड अ प्लेस, ये पूछा नहीं गया, बट आई वुड स्टिल से दैट स्पोर्ट्स इज इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू डू, बिकॉज पैटर्न हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ वेरिएशन तो आता ही है, तो हम स्पोर्ट्स को नहीं छोड़ सकते हैं. बिकॉज अगर हम बात करें 2019 की, तो वहाँ पर क्वेश्चंस थे स्पोर्ट्स से, एंड यू नो यू कॉन्ट लीव आउट स्पोर्ट्स. देन लीगल करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जजमेंट्स पूछे जाते हैं 2021 में, तो काफ़ी जजमेंट्स पूछे गए लीगल करंट से रिलेट करके, कुछ क्वेश्चंस भी आए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव ऑलरेडी इन माई फ्री मटीरियल सेक्शन आई हैव प्रोवाइडेड यू विद अ लॉट ऑफ PDFs. 2017 टू 2020 के जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो आपको करने हैं. लीगल करंट अफेयर्स की जो मेरी सीरीज़ है यूट्यूब पे, आई होप यू आर वॉचिंग दैट. इन फैक्ट इवन फॉर करंट अफेयर्स आई एम कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. नाउ आई वोंट से दैट्स टोटली सफिशिएंट, यू कैन टोटली रिलाई ऑन दैट, बट जो इंपॉर्टेंट है मैं वो यूट्यूब पे आपको कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ. उसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आई एम होपिंग कि आप अपने एंड से करते आ रहे हैं. मिस हो रहा है अगर, तो एटलीस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए. GK टुडे की वेबसाइट पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. प्रैक्टिस दोज, और यू नो इन आर मॉड्यूल दोज आर ऑलरेडी इनरोल्ड. करंट अफेयर्स में हम आपको हर मंथ 150 MCQs कराते हैं फॉर प्रैक्टिस, सो वो कर लीजिए. उससे भी आपका बहुत सारा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा. लीगल करंट अफेयर्स में मैं लैंडमार्क जजमेंट्स आपकी ऑलरेडी कवर कर रही हूँ. कोई इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट आता है वो मैं इंस्टाग्राम और कम्युनिटी पोस्ट में ज़रूर डालती हूँ. सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अस एट दीज प्लेसेस. आई कीप टेलिंग यू कि इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते रहें. नाउ दैट्स नॉट जस्ट बिकॉज कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे उससे, बट आई वुड से कि हम वहाँ पे ना ऐसे करंट अफेयर्स ज़रूर कवर करते हैं जिसपे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं. तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप वो ज़रूर देखते रहिए. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच दैट. देन IPC इंडियन पिनल कोड लॉ ऑफ क्राइम्स की बात करें तो थेफ्ट, बेसिक IPC के जो टर्म्स होते हैं जैसे मेंस रिया वगैरह, कॉमन इंटेंशन है, ऑफेंस है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बेसिक्स पे क्वेश्चंस आ जाते हैं. रॉबरी, रिस्ट्रेंट, ये क्वेश्चंस 21 में देखे. 20 में हमने जनरल एक्सेप्शंस देखे. जनरल एक्सेप्शंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टर्म्स, बेसिक्स, रेप, डेफमेशन, सो यू कैन सी अलग अलग टॉपिक्स हैं. अगेन आई वुड से DULLB टॉपिक्स टू स्टडी, जो टॉपिक्स दिए हैं वहाँ पे वो सब पढ़ लीजिए. अगर मैं यहाँ बात करूँ 2019 की, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, प्राइवेट डिफेंस, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो दीज टॉपिक्स आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. IPC कवर करते रहिए. आई होप आपने अपने नोट्स बना लिए हैं. बेरैक्ट से कवर कर सकते हैं. बेरैक्ट में ऑल्दो कुछ बेसिक चीज़ें जैसे मेंस रिया वगैरह आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ते रहिए. और एज आई सेड DULLB के कोर्स में सब कवर्ड है ये. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं. ऑफर, कॉन्सेंट, फ्री कॉन्सेंट की जब हम बात करते हैं, ऑफर अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिक्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट के ये इंपॉर्टेंट है. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 21 में, 20 में कैपेसिटी, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी कन्फ्यूज हैं कॉन्टिंजेंट वेजरिंग को लेके. आई हैव टोल्ड सो मेनी टाइम्स इन माई वीडियोज दैट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज जहाँ पे एक इवेंट के ऊपर कुछ प्रॉबिलिटी डाली गई है. वेजरिंग है जहाँ पे दोनों चांसेस हैं पार्टीज के टू विन और लूज, दोनों का इक्वल चांस है ऑफ विनिंग एंड लूजिंग. कॉन्टिंजेंट में सिर्फ एक इवेंट के बेसिस पे वो प्रिडिक्ट किया जाता है. देन बेसिक्स कॉन्ट्रैक्ट के आपको कर रहे हैं, आते हैं.
रेसिप्रोकल प्रोमिसज. सो ऑल दिस यू हैव टू डू. अगर हम 2019 की बात करें, फ्रॉड, डैमेज, वॉइड अग्रीमेंट, कोअर्जन यानी फ्री कॉन्सेंट की बात आ गई वहाँ पे भी, अंडी इन्फ्लुएंस इज ऑल्सो कॉन्सेंट. वैलिडिटी क्या है कॉन्ट्रैक्ट्स की, कॉन्टिजेंट अग्रीमेंट पे क्वेश्चन आया है. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए. वॉइड, वॉइडेबल, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टेक ऑफर, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं. IPR लॉ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डू कम अप. 2020 में हमने देखा था पेटेंट पे ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन वर देयर. डिज़ाइंस इज इम्पॉर्टेंट, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स और जो थोड़े बहुत बेसिक्स हैं IPR लॉ के, दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, कीप डूइंग दोज. देन मूविंग फॉरवर्ड, IPR के क्वेश्चन हमारे 2019 में भी पूछे गए हैं. देन मूविंग फॉरवर्ड टू फैमिली लॉ. फैमिली लॉ में आपका देखिए, फैमिली लॉ में मैरिज एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. हिंदू लॉ में भी, मुस्लिम लॉ में भी मैरिज से क्वेश्चंस आते हैं, प्रोहिबिटेड से क्वेश्चन आ गया. सम स्टूडेंट्स आस्क कि सेक्शन करना ज़रूरी है या आर्टिकल करना ज़रूरी है. आई वुड से इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सारे सेक्शंस आर्टिकल याद रखें, बिकॉज या एक दो क्वेश्चन आएगा उस पर, तो उसके लिए इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए कि सारे आप सेक्शंस और आर्टिकल्स याद करने बैठ जाएँ. इट्स गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट डज़ नॉट मेक सेंस. यू कैन स्किप दोज क्वेश्चंस. देन कॉन्जुगल राइट्स है, डिवोर्स है, स्पेशल मैरिज एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट 2020 में भी यहाँ पे भी स्पेशल मैरिज एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया. सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ जो हैं, अडॉप्शन, गार्जियनशिप, ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इवन इन 2019 क्वेश्चंस वर आस्क्ड. टॉर्ट लॉ की बात करें, 2021 में बेसिक्स और नेग्लिजेंस को लेके क्वेश्चंस आए हैं टॉर्ट लॉ में. 2020 में नहीं आए हैं क्वेश्चंस. 2019 में भी टॉर्ट पे क्वेश्चन नहीं आए हैं. बट देन अगेन, इफ़ यू विल गो ऑन टू 2015-17 वहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं. तो बहुत ना एकदम ऐसे क्लियर पैटर्न नहीं है, इसीलिए आई हैव गिवन यू द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कि वो आपको करनी ही है. वो कभी भी किसी भी साल वो टॉपिक्स आ सकते हैं. सो इट इज़ मैंडेटरी दैट यू डू दोज टॉपिक्स. मिसलेनियस की बात करें, अगर मिसलेनियस में यूनाइटेड नेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. 5-6 क्वेश्चंस टू लैंड अप फ्रॉम हियर. सो नॉट जस्ट यूनाइटेड नेशंस, प्रिंसिपल ऑर्गन्स नहीं, सब्सिडरी ऑर्गन्स भी इंपॉर्टेंट हैं. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, सार्क वगैरह, ब्रिक्स, ये सब इंपॉर्टेंट हैं. UNDP है, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं. लीगल मैक्सिम्स टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं. लीगल रीजनिंग का अगर देखें, जैसे 2019 में क्वेश्चंस आए यहाँ से, 2020 में नहीं आए, बट 21 में फिर से क्वेश्चंस आ गए. सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट. लीगल रीजनिंग मैंने बहुत कवर करा है ऑन YouTube. मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं. अगर वो वीडियो आपको समझ में आ जाता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं लगेगी. UN की बेसिक वीडियो मैं डाल चुकी हूँ. लीगल टर्म्स मैक्सिम्स की मैं बेसिक वीडियो डाल चुकी हूँ कि कैसे उन मैक्सिम्स को करना है. इनफैक्ट मैंने अपना कोर्स का एक पहला वीडियो इसमें डाला हुआ है आपके लिए कि किस तरह से आपको एक्चुअली इन मैक्सिम्स को याद करना चाहिए. असर्शन, इन्फरेंस रिलेटेड क्वेश्चन, ये एक दो किसी भी साल आ जाते हैं. देन स्टैटिक जीके की बात करें, स्टैटिक जीके भी इंपॉर्टेंट है. स्टैटिक जीके ऑल्सो कीप्स ऑन वेयरिंग, कभी बैंक्स से पूछ लिया. डांस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डांस मिसिंग है. डांस से भी क्वेश्चंस आए हैं 21 में भी. कंप्यूटर से आ गया, एब्रिविएशन आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड स्टैटिक जीके आ गई, साइंस आ जाती है. देन ज्योग्राफी की बात करें तो कैपिटल्स वगैरह आ जाती हैं. कभी कभी रिवर्स से क्वेश्चन रिलेटेड आ जाता है. 19 की बात कर रही हूँ मैं, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो ये स्टैटिक जीके आपको करनी ज़रूरी है. लूसेंट के लिए अभी यू रियली डोंट हैव टाइम. जस्ट डू स्टैटिक जीके फ्रॉम वेर एवर यू आर प्रिपेयरिंग. आपने आई होप अभी तक नोट्स बना लिए होंगे. आपकी जो भी सेल्फ गाइड बुक है उसमें भी जो स्टैटिक जीके दी हुई है वो कर लीजिए, क्वेश्चंस कर लीजिए वहाँ से. जो लोग हमारे स्टैटिक जीके के मॉड्यूल के लिए एनरोल्ड है वो लोग वहाँ से कर सकते हैं. देन मूविंग फॉरवर्ड टू लॉजिकल. लॉजिकल में हमारा क्या है, लॉजिकल में लॉजिकल रीजनिंग की यहाँ पर बात हो रही है. डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है, पजल्स इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस सीरीज इंपॉर्टेंट है, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट, ये मैं ऑलरेडी टॉपिक्स में आपको पहले कवर कर चुकी हूँ. हियर आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ स्नैपशॉट की पहले क्वेश्चंस कैसे आए हैं.
19 की बात करें, सिलोजिज्म पे क्वेश्चन आया है, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, सीक्वेंस सीरीज, अगेन दीज सेम टॉपिक्स, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर लॉजिकल रीजनिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड से फैमिली रिलेशंस वाले क्वेश्चंस भी आप कर लीजिए. मैथ्स बहुत से स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं मैथ्स करना है या नहीं. मैथ्स का 2020 देखेंगे, ब्लैंक है चार्ट, नो क्वेश्चंस इन मैथ्स. 2019 में क्वेश्चंस मैथ्स से, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आ गया था, नंबर्स से दो क्वेश्चन आ गए थे, तीन क्वेश्चन मैथ्स से आए थे उस टाइम पे. 21 की बात करें तो एक क्वेश्चन एवरेजेस से, एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से. सो बेसिक टॉपिक्स, अगेन आई हैव टोल्ड कि ये वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए जहाँ पे मैंने टॉपिक्स डिस्कस करे हैं, वो टॉपिक्स कर लीजिए. एंड ये 2021 लेटेस्ट पैटर्न मैं आपको डिकोड करके ऑलरेडी बता रही हूँ. मैथ्स के लिए जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड यू कैन डू दिस टुवर्ड्स द एंड. बहुत ज़्यादा हाथ पैर मत मारिए मैथ्स के लिए, बिकॉज एज यू कैन सी एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो ये स्किप भी करे जा सकते हैं. रादर आई वुड से लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, आर एस अग्रवाल से प्रैक्टिस कर लीजिए, पास्ट ईयर पेपर्स इकट्ठे कर लीजिए. मॉक्स आई होप यू गाइज आर गिविंग, जस्ट इन केस यू हैवेंट फाउंड मॉक्स फॉर योर सेल्फ, दे आर अवेलेबल ऑन आर वेबसाइट www.lawdigest.in. यू कैन प्रैक्टिस मॉक्स फ्रॉम देयर. इंग्लिश की बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़रूर आता है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर लीजिए. आपको पढ़ना आना चाहिए कि पैसेज से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ऑथर का क्या स्टेटमेंट है, क्या इन्फ्रेंस है, वो सब चीज़ें आपको आनी चाहिए. आरसी के लिए आई वुड से जस्ट प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल, दैट इज़ इट. इनफैक्ट वोकैबुलरी के लिए आई वुड से जो हमारी वीडियो मॉड्यूल्स हैं वहाँ पे हम आपको वोकैबुलरी नॉर्मन लुईस की पूरी बुक करा रहे हैं कवर. सो यू शुड नॉट वरी अबाउट वोकैबुलरी एज सच. वोकैबुलरी के क्वेश्चंस ना थोड़े स्मार्टनेस से भी सॉल्व करे जा सकते हैं, अगर आपको थोड़े रूट वर्ड्स पता हो, आसपास के वर्ड्स पता हो जाते हैं सॉल्व. सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. ये हमारा बेसिक जो मेरा अभी इंटेंशन इसलिए ये था कि अभी आप पढ़ रहे हो तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखो कि इन एरिया से क्वेश्चन आ चुके हैं, और जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो सॉल्व वो ट्राई करो कि ये एरियाज आपके बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस रिपीटेडली आए हैं पास्ट ईयर्स में, तो ये क्वेश्चंस आपके क्लियर होने चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, एज यू कैन सी ये मैंने स्टार्टिंग में रखा हुआ है, इनका वेटेज ज़्यादा होता है, तो ये अच्छे से आपको करना है. एंड जस्ट इन केस अभी कोई डाउट क्वेरी दिमाग में आ रहा है उसको ड्रॉप डाउन करिए कमेंट बॉक्स में, एंड आई विल गेट बैक टू यू. अगर आपको अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, मॉक्स नहीं मिला है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे प्रिपेयर करना है, तो आप हमारा DU LLB का जो बेसिक कोर्स है वेबसाइट पे वो देख सकते हैं. दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. एज आई सेड इट इज़ वेरी मच कवरेबल इन 1 month एज वेल. स्मार्ट स्टडी करना है, अभी थोड़ा स्किप करके भी पढ़ना है, एंड आई थिंक इट इज़ प्रिटी डुएबल. 1 month में भी हो सकता है, अभी डेट्स भी नहीं आई हैं, सो यू कैन वर्क अपॉन इट. जस्ट यू नो गेट दैट मोटिवेशन इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट विद इन 1 month. 1 month लग के पढ़ाई कर लीजिए, एंड देर विल बी पॉसिबिलिटीज़ कि आपकी सीट आ जाए. DU LLB में बहुत सीट्स हैं, तो इतना भी टफ नहीं है ये एग्जामिनेशन. इसी के साथ ही मैं ये वीडियो एंड करती हूँ. ऐसी वीडियोस की अपडेट्स के लिए, लीगल करियर में कुछ आपको हेल्प चाहिए या लीगल करंट अफेयर्स के बारे में जानना है, चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. आई वुड रियली आस्क यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज हम बहुत मेहनत करके बहुत कॉन्टेंट आपके लिए डालते हैं. सो इट सर्व्स एज अ मोटिवेशन फॉर अस एज वेल दैट यू गाइज सब्सक्राइब, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लेट अस हैव योर फीडबैक, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू.